असलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं फ़खर आसिफ़ बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है यूट्यूब चैनल। अब चलते हैं जी तीसरी टीम जो कि थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की थी। उनका टूर्नामेंट अच्छा गया ओवरऑल, लेकिन बीच में इंजरीज की वजह से काफ़ी काम खराब हो गया, लेकिन वो थर्ड पोजीशन पर ही फिनिश कर सके। उनकी रिटेंशन जो है वो तकरीबन सेम ईयर वाली ही हैं सारी की सारी, जो कि क्योंकि न्यू जो प्लेयर्स आए थे वो इतनी खास कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, और जो ओरिजिनल उनके प्लेयर्स थे आई थिंक उनका कोर बरकरार रहने जा रहा है इस साल भी। प्लाटिनम में मैं रिटेन कर रहा हूँ जी शदाब खान और हसन अली को, और उसके बाद डायमंड में फ़हीम अशरफ एंड आसिफ अली। गोल्ड में मैं रिटेन कर रहा हूँ एलेक्सेस और वसीम जूनियर को। आसिफ अली जो थे वो पिछले साल प्लाटिनम में थे, लेकिन इस साल उनकी कारकर्दगी काफ़ी ख़राब रही है, तो हो सकता है कि वो डायमंड में इस साल डाउनग्रेड कर जाएं। सिल्वर में मैं रिटेन कर रहा हूँ पॉल स्टर्लिंग को। पॉल स्टर्लिंग का स्ट्रेचर तो आई थिंक डायमंड वाला है, उनकी कारकर्दगी भी डायमंड वाली रहती है, लेकिन इनके मैनेजर जो हैं वो इनको मना लेते हैं किसी तरह भी सिल्वर कैटेगरी में। जैसे एलेक्सेस भी हालांकि प्लाटिनम लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट इनको डायमंड में मनाया था और गोल्ड में फिर मेंटर बना के रिटेन किया था। तो इस साल एलेक्सेस को भी मैं डायमंड में से गोल्ड में ही रिटेन कर रहा हूँ मेंटर बनाकर, और पॉल स्टर्लिंग को सिल्वर में ही कर रहा हूँ पिछले साल की तरह। और आगे चलें तो आज़म खान जो कि गोल्ड में होंगे और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाकर मैं सिल्वर में रिटेन कर रहा हूँ, और कोलिन मनरो पर हम आरटीएम कर सकते हैं इन प्लैटिनम कैटेगरी। अगर कोई मज़ीद इससे बेहतर प्लेयर हमें मिल जाता है तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं इन द ड्राफ्ट। ये थी मेरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशंस। कैसी लगी हैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा, सोशल मीडिया पर टैग कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।